एमपी न्यूज पर इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता का नया प्रयोग, अब होगी बड़ी बात नो बकवास। देखिए बिग बात। नए साल की पार्टी थी, पूरे विधानसभा क्षेत्र के 2-4-5 हजार लोग आए थे, ठीक है। 12 बजता है, परंपरागत रूप से उस समय केक काटा जाता है, आतिशबाजी होती है और लोग झूमते हैं गानों पे। अब उस समय कौन सा गाना चल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, झूमते हैं, खुशियां मनाते हैं, पूरा देश मनाता है ना, हम भी मना रहे थे। अरे बीजेपी को तो कुछ ना कुछ चाहिए मुद्दा, और तो कुछ मिल नहीं रहा है इनके पास। भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने का तो वो है नहीं, बेरोजगारी की बात तो करते नहीं है, महंगाई की बात तो करते नहीं है, बस ये यही ढूंढते हैं कि कौन सा कांग्रेसी क्या करता दिख जाए। तो अब इनके प्रमाण पत्र से नहीं चलेंगे ना अपन तो, हाँ ना, साथ नहीं चलते भाई। 12 बजे वहां पर पटाखों की लच्छियां थी, पटाखों के बम थे, वो तो सब इंतजाम करके रखते हैं ना आदमी उस टाइम के लिए लेके गए। अरे यार गृह मंत्री क्यों ना कहेंगे, आप मुझे बताओ कोई वीडियो वायरल हुआ है, अगर वो कह रहे हैं कि जांच की जाएगी तो सही तो कह रहे हैं, जैसे जांच हो जाएगी कंफर्म हो जाएगा कि पटाखे वाली बंदूक है, बात खत्म। तो सुनिए सर, आप बीजेपी के निशाने पे, बीजेपी के निशाने पे तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जो ईमानदारी से कांग्रेस के लिए और जनता की सेवा कर रहा है वो बीजेपी के निशाने पे है, ये तो सर्वविदित है, आप लोग देख रहे हो।